दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने WhatsApp एप्लीकेशन का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका WhatsApp एप्लीकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज है, उसे चाहते हैं कि आप हिंदी में कह दें, तो किस तरह से कर सकते हैं, तो आज के हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा किस तरह से WhatsApp का जो भाषा से कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद आपको ऊपर में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली से आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली से आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना लैंग्वेज चेंज करने के लिए स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लैंग्वेज का। सिंपली से आपको लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने हर तरह का भाषा देखने को मिल जाएगा, जिस भी भाषा में आप इस ऐप को यूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हिंदी को सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट किया हूँ तो मेरा यहाँ पे सभी प्रोफाइल हर चीज हिंदी में हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे किसी से हिंदी में चाहे इंग्लिश में दोनों से बात कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से अपने WhatsApp एप्लीकेशन में भाषा चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग भाषा चेंज करना सीख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।